हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल फन फ्यूजन विद इंदु पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बड़ों और खासकर बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला तिरंगे पॉप्सिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 कप सूजी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसी मेजरमेंट से लगभग 1/4 कप दही। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसी नाप से, उसी स्पून के नाप से 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम, आधी टीस्पून ही हम लेंगे राई। और सभी सामग्री को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सभी सामग्री मिक्स होने के बाद आधे घंटे के लिए ढककर रख। अब आप देख ही सकते हैं हमारा बैटर कितने अच्छे से फूल चुका है। अब इस बैटर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम 1 हिस्से में मिलाएंगे ऑरेंज कलर, दूसरे हिस्से में मिलाएंगे ग्रीन कलर। इन दोनों ही कलर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। और तीसरे हिस्से को एज इट इज छोड़ देंगे। इस तरह हमारे पास 3 कलर के बैटर तैयार हो जाएंगे। अब हम गैस पर रखेंगे स्टीमर पर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना, तो इस तरह के भारी तले के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालकर स्टीम करने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है ना, तब तक एक इडली स्टैंड लेकर इनके सांचों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम किसी भी एक कलर का बैटर लेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो, और हम उसमें थोड़ा पानी डालकर एक्टिवेट कर लेंगे। और इसे तैयार करके सभी सांचों में भरकर स्टीम करने के लिए रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देंगे। चलिए चेक करते हैं हमारी इडली तैयार हो गई है या नहीं। इसके लिए इसमें एक टूथपिक डालकर देखेंगे कि इडली चिपक तो नहीं रही। अगर नहीं चिपक रही तो हमारी इडली तैयार है। इन्हें ठंडा करके सांचों से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी दोनों कलर की इडली भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने 3 कलर की इडली इसी तरह तैयार कर ली है और कितनी सुंदर लग रही है और कितनी स्पंजी भी बनी है।
देखिए अब इन तीनों कलर की इडली को इसी तरह कट कर लेंगे। अच्छा अब हम इन्हें स्टिक में सेट करने से पहले नाइफ से इनके बीच में होल कर लेंगे जिससे इडली फटे ना और स्टिक में अच्छी तरह सेट हो जाए। इडली कट करने के बाद ये जो हमारे पास इसके कॉर्नर्स बचे हैं ना, इन्हें भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें भी हम वेजिटेबल के साथ फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमारे तिरंगा पॉप्सिकल फ्राई करने के लिए तैयार है। अब हम नॉन स्टिक पैन को गर्म करके उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, फिर डालेंगे कुछ राई के दाने और उनके चटकने के बाद पॉप्सिकल्स को फ्राई कर लेंगे, पर हमें इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है जिससे इनका कलर चेंज ना हो। तो लीजिए बहुत कम तेल में बड़ों और बच्चों के फेवरेट तिरंगा पॉप्सिकल सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसे आप टमाटो केचप या नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।